दिवाली तो पहला सीआई स्टाफ दी पुलिस ने एक एनआरआई दी कोठी विच बनाए गए पटाखा गोदाम विच रेड मार के लखां रुपए दे पटाखे जब्त कीते हन। दस्या गया है कि पुलिस थाना दीनानगर दे अधीन आउंदे पिंड अवाखां विच एक एनआरआई दी कोठी शहर दे किसे वड्डे व्यापारी ने किराए ते लई होई सी ते उस विच लखां रुपए दे पटाखे भरे हुए सन। मामला इसलिए भी संगीन मन्या जा रहा है कि रिहायशी इलाके विच पटाखियां दा भंडार खतरनाक साबित हो सकता सी क्योंकि एक वड्डी दुर्घटना पहला ही बटाला शहर च वापर चुकी है जिसके चलते हुण प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सीआई स्टाफ के एसएचओ इंस्पैक्टर कपिल कौशल ने दस्या है कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हां फड़े गए पटाखों की कीमत कितनी होगी पर यह कीमत लखां विच है। दस दईए कि बाहरों कोठी बिल्कुल रहायशी जही जापती सी पर जदों पुलिस पार्टी ने अंदर जाके वेख्या तां बैडरूम समेत लगभग सारे कमरे पटाखियां नाल भरे पए सन जिन्हां विच छोटे वड्डे हर तरह के पटाखे मौजूद सन। कपिल कौशल ने दस्सिया है कि पटाखियां नूं जब्त कर लिया गया है अते इस दे मालक विरुद्ध बनदी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर, अज एक मुकबल खास वालों तलाह मिली जी नवी आबादी दे विच किसी ने गोदाम जिहड़ा किराए ते लै के उत्थे काफ़ी मात्रा में पटाखे रखे हैं। मुकबल की दसी हुई जगह पर आके जो देखा गया तो इतने कोठी चैक की है, कोठी चैक करा तो काफ़ी कोई वख वख तरह के पटाखे ने, कोई फुलझड़ियाँ, कोई दूसरा, कोई वड्डे पटाखे, कोई छोटे पटाखे, कोई होर तरह के उन्होंने अं कर रहे हैं। मैं इंचार्ज सी आई है साढ़े एस एच ओ सरदार मेजर सिंह जी, ये तहत जो भी बनती कानूनी कार्रवाई है वो करके पटाखों को जब्त किया जाएगा तो दोषियों को फड़ के जल्दी तो जल्दी जेल चुके जाएगा। देखो अभी होलसेल तो डीलर नहीं हाँ, अभी तो अंदाजा ला सकते हैं भी 5-7 लाख के जरूर है क्योंकि सारी कोठी भरी पई है। तुम शार्ट भी किए ने उस तो बच्चे जो इन्हें आप अरैक्ट करा उन्होंने पता लगेगा भी तकरीबन किन्ने ने। इस वे कोठी का जोड़ा इन्होंने किराए से लई है वो स्टोर बैडरूम सारे जोड़े ड्राइंग रूम है सारे भरे पे ने। इन्हों की गिनती करने तो बाद जी कानूनी कार्रवाई मुझे लिया जाएगी। पता लगे कि कोठी है किन्ने किराए की? कोई होलसेल बाजार कोई हैगा वा जिदे पटाखे है उन्हें ना का भी, कोई शर्मा फैमिली है उन्हें ना का भी पता लग जाएगा थोड़ी देर तक। गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर खबर हर पल इंडिया ले।